जनपद मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, रात होते ही देते हैं घटना को अंजाम। नानपुर गांव में एक परिवार की बदमाशों ने दो भैंसें चोरी कर हुए फरार। पुलिस को सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। पीड़ित महिला के थाने में सुबह से बैठाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा पुलिस प्रशासन। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी है। पीड़ित महिला ने दो चोरों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसकी रात दुकान से रात तेल लेने आए थे दो व्यक्ति। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसी समय दोनों व्यक्तियों द्वारा भैंसों को देखा गया। पीड़ित ने रात 3 बजे उठकर देखा तो दोनों भैंसें नहीं थी। कुंदरकी थाना क्षेत्र के गाँव नानपुर की घटना। कहाँ रहती हो? नानपुर रहती हूँ। क्या नाम आपका? भूरी। क्या समस्या है आप यहाँ थाने बैठे हैं? भैंस चोरी हुई है हमारी रात। कहाँ से? नानपुर से। तो क्या कोई देखभाल के लिए नहीं था? कोई देखी मिली नहीं था। क्या बजे की घटना है? 12 बजे दो जने आए मेरे पास पेट्रोल लेने। कहाँ के थे? ना हमारे गांव के थे। कौन कौन? जमील थे और रणजीत, दोनों जने थे। फिर मैं तेल देकर लेट गई, देखा तो भैंसे हैं ही नहीं थोड़ी देर बाद। कौन कौन लगा आपके परिवार में? और हम तो 5 बहन भाई हैं, एक हमारी माँ है बस। अच्छा, तो भैंसों के द्वारा कौन सो रहा था? हम तो सभी सोते थे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है यही ले गए भैंस खोल के, जब रात में इनका क्या मतलब आने का। क्या बजे आए थे? 12 बजे आए थे। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अब तक? अभी तो कुछ नहीं करी। अब आई हूँ मैं, तेरी देने दे दी। अच्छा, क्या पुलिस मौके पर गई अभी तक? अभी नहीं गई। थाने से कितनी दूर पड़ता है गाँव? थाने से ऐसी पड़ा है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। क्या हल्के क्या नंबर हल्के में? दो हुँ? दो जने थे। अच्छा, तो अभी तक अब क्या कह रहे हैं पुलिसकर्मी? यहाँ कहना दरोगा जी आ जाएंगे तो उनसे मिल के जाइए जब जाएंगे। अच्छा, बैठा रखा आपको? हाँ। दरोगा जी कौन? अभी आए नहीं है? अभी नहीं। कितनी देर होगी आपको? बहुत देर होगी।